वेलकम टू डिस्कवर टैलेंट फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट विनोद। आज आपके लिए लेके आया हूँ इन एमएस एक्सेल टोटल टॉप 10 टिप्स। अगर आप फ्रेशर हो इन एमएस एक्सेल या फिर आप एक्सपीरियंस होल्डर हो, डेली रूटीन में आप एक्सेल यूज करते हो, तो आपको ये सब चीजें वेल नोन होनी चाहिए। ठीक है, सो क्या है ये चीजें, क्या है ये टिप्स, क्या है ये टूल्स, सो हम यहाँ पे इन एक्सेल में देखने वाले हैं। सो आइए विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो वेलकम बैक दोस्तों। सो फर्स्ट टूल मैं स्टार्ट करूंगा, क्विक एनालिसिस टूल। अब मेरे पास कुछ डेटा है, अब ये मैंने रैंडम डेटा कुछ भी पिक किया है, आप आपके एंड से कुछ भी डेटा सिलेक्ट कर सकते हो, नो इश्यूज। सिलेक्ट किया मैंने एंड देन यहाँ पे क्लिक करो, दिस इज योर क्विक एनालिसिस टूल। यहाँ पे इससे क्या होगा और ये आप कहाँ पे यूज कर सकते हो, इसे बेसिकली आप डायरेक्टली फॉर्मेटिंग ऐड कर सकते हो विदाउट गोइंग डाटा, ठीक है, या फिर इंसर्ट में जाके आपको फॉर्मेटिंग ऐड करना है। ठीक है, ये करने से पहले आप डायरेक्टली यहां से आप ये सब चीजें कर सकते हो, सो इससे आपका टाइम सेव होगा। देन चार्ट्स, चार्ट्स आपको किस तरह के चाहिए, ठीक है, टोटल सम कैलकुलेशन जो है यहाँ पे आपको दिख जाएंगे विद टेबल। सो कंप्लीट चॉइस अपॉन यू, आपको कैसे यूज करना है डेटा। ठीक है, ये कुछ टेबल मेरे पास आ गया है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टूल। नाउ अभी आप ये कहाँ पे यूज कर सकते हो, आपके डेली रूटीन वर्क लाइफ होगा वहां पे यूज कर सकते हो, स्कूल अटेंडेंस शीट, ठीक है, ये सब चीजों में आप यूज कर सकते हो। सेकेंड टूल देखते हैं, फिल्टर। अब ये टूल नहीं है बट ये आप टिप्स यू नो आपके डेली रूटीन लाइफ में यूज कर सकते हो। मैं यूज कर रहा हूँ अल्ट डी एफ एफ, ठीक है, अगेन अल्ट डी एफ एफ, जिससे फिल्टर होगा। अब फिल्टर का यूज क्या होता है, फिल्टर का यूज क्या होगा, फिल्टर हम लोग को डेटा डायरेक्टली फेच करना है, यूनिक वैल्यू फेच करनी है, उसके लिए फिल्टर का यूज होता है। अब यहाँ पे 11 रेफरेंस कॉन्सिक्वेंस वैल्यूज है वो आपको दिखेगी। अगर आपको शॉर्टकट की यूज नहीं करनी है तो आपको मैं बता दूँ, आप यहाँ से भी कर सकते हो डेटा में, देन यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन एड एंड रिमूव। दोस्तों अगर आपको एडवांस फिल्टर सीखना है तो उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है इन डिटेल, ठीक है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब ये ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या है, ठीक है, जब आप फॉर्म क्रिएट करते हो एक प्रकार की, ठीक है, एक फॉर्म क्रिएट करने के बाद में हमें कुछ चाहिए, सपोज एक ड्रॉप डाउन है, उसमें मुझे जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल या फिर अदर कैटेगरी, राइट, जो कुछ मुझे फॉर्म में ऐड करना है वो मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट से क्रिएट कर सकता हूँ। अब ये ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कैसे करते हैं यहाँ पे एक्सेल में, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। सपोज मुझे यहाँ पे ऐड करनी है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट लाइक दिस, ठीक है, यहाँ पे भी ऐड करनी है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो मेरी रेंज है वैल्यू, मैं पहले सोर्स कोड यहाँ पे ऐड करके रखूँगा, सोर्स वैल्यू जो कुछ वैल्यू है आपकी वो सोर्स वैल्यू यहाँ पे ऐड करके रखो। थोड़ा जूम आउट करता हूँ ताकि आप देख सको, डेटा में जाऊँगा, अगर आपका कर्सर यहाँ पे हो होम में तो डेटा में क्लिक करें, यहाँ पे थोड़ा कर्सर का इश्यू हो रहा है, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करो एंड देन सेटिंग्स में यहाँ पे अलाउ वैल्यू लिस्ट में क्लिक करना, सोर्स वैल्यू दीजिए यहाँ पे सिलेक्ट करके, जहाँ से आपको जो वैल्यू ड्रॉप डाउन में ऐड करवानी है। मैंने कर्सर शायद से कहीं और रखा था तो कर्सर कहीं और आ गया, तो कोई नहीं, हम वापस एक बार करेंगे। मैं कर्सर यहाँ पे रख रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, देन डेटा वैलिडेशन लिस्ट सोर्स सिलेक्ट करिए, ओके पे क्लिक, अब देखिए ये वैल्यू आपको आ जाएगी। ठीक है, सिंपल, अभी तक हमने देखा क्विक एनालिसिस टूल, फिल्टर एंड ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब हम देखेंगे ऑटो फिट कॉलम विड्थ। अब दोस्तों ये मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखाने वाला हूँ, मैं आपको नेक्स्ट शीट में दिखाऊंगा, तो मैं कॉपी कर रहा हूँ एंड देन यहाँ पे कुछ पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये कुछ वैल्यू है मेरे पास, सपोज जब भी आपके पास वैल्यू कुछ इस तरह से हो, ठीक है, तो उसे अपने को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में चाहिए, फॉर्मेट एज इन एक पर्टिकुलर रेंज उस कॉलम को आनी चाहिए, तो वो कैसे करेंगे, अब मैनुअली मैं जाके यहाँ पे करूँगा, उससे अच्छा क्या करना है हमें, टेबल सिलेक्ट करो, सिंपल,
अब कर्सर आपका कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। जब आप टाइटल पर क्लिक करोगे, जब तक कर्सर इस तरह से सिंबल नहीं शो करता तब तक हमें कर्सर पॉइंट आउट करना है, डबल क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आपको एट अ टाइम सबको करना है तो पूरी शीट को सिलेक्ट करें, देन यहाँ पे क्लिक, ठीक है, एट अ टाइम सभी कॉलम विड एडजस्ट हो जाएंगे। दिस इज द फोर्थ वन। सो ईडेड फंक्शन, अभी ईडेड फंक्शन क्या है यहाँ पे मैं बता दूं आपको, पहले एक्सप्लेन करा दूं। मंथ एडिशन, ऑटोमेटिकली वो मंथ एडिशन कर देगा पर्टिकुलर डेट के अंदर। सपोज मेरा डेट मैंने यहाँ पे ये ऐड कर रखी है, तो इसमें मैंने कुछ मंथ ऐड किए, 10 मंथ्स ऐड किए, तब जाके रिजल्ट मुझे कुछ इस तरह से दिख रहा है। अभी कैसे करेंगे इसलिए मैं बता दूं आपको, यहाँ पे मैं कंट्रोल सेमी कॉलन दे रहा हूँ, इंसर्ट डेट किया, या फिर आप कुछ भी डेट मैनुअली भी टाइप कर सकते हो, इशू नहीं है उसमें। इज इक्वल टू ई डेट फंक्शन, कहाँ पे हमें चेंज करना है, डेट को सिलेक्ट करना है आपको, टोटल कितने मंथ्स उसमें ऐड करवाने हैं, 11, एंड देन ओके पे। अब ये फॉर्मेट कुछ आपको इस तरह से दिखेगा। आप एक तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग में जाके आप चेंज कर सकते हो, या फिर मेरे से आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है, डेट फंक्शन ऐड कर सकते हो। बट मैं यहाँ से कंट्रोल 1 प्रेस करूँगा, शॉर्टकट की मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है, कंट्रोल 1, कंट्रोल 1 प्रेस करने के बाद में यहाँ पे डेट सिलेक्ट करना है हमें। सो ये अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली कुछ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक ईडेट फंक्शन, टॉप 5 फंक्शन अभी तक हमने देखे, ठीक है, उम्मीद है आपको ये अच्छी लगी होगी। सो आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट वाला फंक्शन, विच इज बेस्ट स्पेशल फंक्शन। बेस्ट स्पेशल में दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट मैं आपको दो ही वैल्यू दिखाऊंगा, दो फंक्शन दिखाऊंगा इसमें से। अगर आपको चाहिए मैं पूरा इन डिटेल में आपको बेस्ट स्पेशल सिखाऊं, तो आप प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो सीरीज में ये कवर कर दूं। अब यहाँ पे क्या है, मैंने ये कुछ वैल्यू है मेरे पास, ठीक है, सपोज ये मैंने कुछ टोटल करके रखी है, इसे कुछ टोटल है D5 52 से लेके, ये कुछ मैं टोटल ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ मैं टोटल ऐड कर रहा हूँ, सम दोनों का, जस्ट रैंडम फॉर वैल्यू पर्पस गाइस, ठीक है, आप आपके एंड से कुछ भी कर सकते हो। इसे मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब मैंने क्या किया है, ये टोटल जो वैल्यू है ये दोनों का सम यहाँ पे निकाला है, ठीक है, ये कुछ मुझे सम में वैल्यू दे रही है, या फिर फार्मूलाज कुछ है पर्टिकुलर फार्मूला, वो फार्मूलाज मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। मुझे बेसिक सी चीज़ है, मुझे अगर वैल्यू में यहाँ पे चेंज कर दूँ तो यहाँ पे भी कुछ आप देखोगे तो चेंज हो जाएगा, राइट। सो मुझे ये चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं मुझे ये वैल्यू वैल्यूज में चाहिए, ठीक है। तो उसे क्या करेंगे, हम कॉपी किया, ठीक है, कर्सर यहाँ पे रख दिए, एंड देन पेस्ट स्पेशल में जाके पेस्ट एज अ वैल्यूज कर देना, ठीक है। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फंक्शंस, फॉर्मेटिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको चाहिए कि मैं ये पूरा कवर करूँ तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अगर चेंज कर रहा हूँ कुछ, तो चेंज टोटल में कुछ नहीं होगा, राइट। सो दिस इज द बेसिक यूज। अब यहाँ पे मैं आपको ट्रांसपोज एक बताऊंगा, क्योंकि टिप्स के लिए है तो मेरे हिसाब से ये आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है। अब ये मैंने कैसे किया, मैनुअली मैं ऐड नहीं करते बेटा, यहाँ पे मंथ है, मंथ को मैंने वर्टिकल लिया हुआ है। अगर आप देखोगे यहाँ पे वैल्यूज उसका नीचे पर्टिकुलर कॉलम वाइज ऐड कर दिए हैं, ठीक है। सो अब इसे कैसे करना है, सिंपल कॉपी करो, कर्सर आपका आगे लेके जाओ थोड़ा सा, देन मैं यहीं पे कर दूंगा, पेस्ट स्पेशल में यहाँ पे ट्रांसपोज करके एक ऑप्शन होगा, ठीक। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू फेच हो गई ऑटोमेटिक, नीचे से वैल्यू डिलीट कर दो,
ठीक है. सो दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ स्पेस स्पेशल. ठीक है, रिमूव डुप्लीकेट्स. अभी रिमूव डुप्लीकेट्स यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ यहाँ से. मुझे सपोज यहाँ पे कुछ वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे जैन दो बार है, कॉमन है. सो मुझे सिंगल जो वैल्यू है जैन में वो वही चाहिए, और मुझे डुप्लीकेट्स वैल्यू जितनी होगी वो रिमूव कर दो. सो क्या करेंगे उसके लिए, सिलेक्शन अगेन डेटा रिमूव डुप्लीकेट्स. हमें कहाँ से निकालनी है, ईयर में तो कुछ वैल्यू नहीं है, कॉमन है, तो ये हटा दे रहा हूँ. कॉमन चीज़ें का यहाँ पे मंथ में, तो ये करके यहाँ पे कुछ वैल्यू एड करते हैं. ठीक है, सो जैन रिमूव हो गया अगर आप देखोगे यहाँ पे. ठीक है, एंड देन गोल सीक. दोस्तों ये गोल सीक बड़ा ही मज़ेदार फंक्शन है, इसकी वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, बट टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो मैं सीरीज बना रहा हूँ, सो इसलिए मुझे लगा कि ये भी मुझे कवर करना चाहिए, सो इसलिए मैं ये ऐड कर रहा हूँ. अब यहाँ पे क्या होता है, सपोज मेरे पास कुछ वैल्यू है, ये ईयर वाइज कुछ वैल्यू है, या फिर प्रॉफिट रेशियो समझो आप, सेल समझो, या फिर कुछ मार्क्स समझो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए, राइट. मुझे ये वैल्यू इससे टैली करानी, एज इन मुझे ये वैल्यू लाने के लिए कितने प्रतिशत परसेंटेज या फिर कितने प्रतिशत वैल्यू मुझे यहाँ पे ऐड करनी है, ये मुझे यहाँ पे मैनुअली पुट करना है. अगर मैं मैनुअली पुट करूँ, ठीक है, तो भी ये टैली नहीं हो रहा है और मेरा टाइम भी वेस्ट हो रहा है इसमें. ठीक है, तो ये मुझे गोल सीक ऑप्शन जो है ये मुझे खुद से करा के देगा. तो ये कैसे करेंगे हम, बड़ी सिंपल सी चीज़ है. हमें वैल्यू कहाँ पे रखनी है, कहाँ पे चेंज करनी है, तो फर्स्ट वहाँ पे कर्सर रखो अपना, डेटा में क्लिक करो, एंड देन आपको व्हाट इफ एनालिसिस पे क्लिक करोगे, देन व्हाट इफ पे. ठीक है, अगर आपका कर्सर यहाँ पे है होम में, तो आपको डेटा में क्लिक करना है, एंड देन व्हाट इफ एनालिसिस में गोल सीक. ठीक है, सेट सेल यहाँ पे जो फर्स्ट है उसे यहाँ पर जो टोटल है आपकी वहाँ पे क्लिक करना है. वैल्यू यहाँ पे कितना वैल्यू का अपने को कैलकुलेशन चाहिए, तो मैं लिखूँगा 1500. और चेंज कहाँ पे करना है, विच सेल, तो यहाँ पे. सो ओके पे क्लिक करो. अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरह से टैली हो जाएगा. ठीक है, तो ये गोल सीक बड़ा मज़ेदार फंक्शन है दोस्तों, एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिए. ठीक है, अभी हम आएंगे नाइन्थ फंक्शन विच इज कॉल्ड वी लुकअप फंक्शन. अब वी लुकअप में आप एच लुकअप भी कर सकते हो, बट पहले मैं आपको वी लुकअप बता दूँ. वी लुकअप वर्टिकल लुकअप होता है. ठीक है, वैल्यू आपको फेच करेगा. अगर मुझे सपोज इस पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए, इस चीज़ की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे मैं लिख दूँ जैन जुलाई. ठीक है, कॉमन तीन मंथ मैंने सिलेक्ट किया इस वैल्यू से. ठीक है, इज इक्वल टू वी लुकअप, माय बैड, मैं वापस एक बार क्लिक कर रहा हूँ वी लुकअप, देन ये सिलेक्ट किया मैंने जो वैल्यू हमें लुकअप करानी है, और कहाँ पे करानी है, इस दो टेबल में. ठीक, सो कॉमा एंड देन वन एंड टू, वन टू, दिस इज द सेकंड कॉलम, राइट. सो सेकंड कॉलम पे क्लिक कराना है, कॉमा. आप ट्रू भी कर सकते हो, फॉल्स भी कर सकते हो. एग्जैक्ट मैच के लिए मैं करूँगा फॉल्स जीरो. ठीक है, एंड देन यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप वैल्यू आ जाएगा आपको. ये एक्चुअली स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हो गया है. मैं जस्ट चेंज कर रहा हूं यहां पे. ओके, 7, 8, 9. ठीक है, मैं कुछ और ऐड कर देता हूँ अगर आप. ठीक है, शायद से कुछ इसमें ऐड एरर हो, कुछ और डेटा में ले लेगा, आपको डेटा फेच कर देगा. अभी फ्लैश फिल एंड ऑटो फिल ये कैसे करेंगे दोस्तों, अगर आप देखोगे यहाँ पे कुछ डेटा है मेरे पास. ठीक है, ये पर्टिकुलर डेटा है, उसमें से मुझे खाली डिजिट्स निकालनी है. अभी डिजिट्स कैसे निकालेंगे हम, अगर आपके पास कुछ रॉ डंप है तो आपको डिजिट्स पहले टाइप करके रखनी है यहाँ पे, एंड देन डेटा में क्लिक करो,
फ्लैश फिल पे यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको डेटा टूल्स में फ्लैश फिल्स। सो ये खाली क्लिक करना है आपको, ये ऑटोमेटिकली वैल्यू नीचे पुल कर लेगा। ठीक है, अगर आप देखोगे मैं कुछ डेट भी ऐड कर रहा हूँ सपोज, एंड देन ये मेरी करंट डेट मैंने कुछ ऐड करी, सेमी कॉलन यूज करके मैंने किया है। ठीक है, सो ये ऑटोफिल मैं ड्रैग कर रहा हूँ यहाँ से उठा के। ठीक है, दिस इज द ऑटोफिल। सो दिस आर द टॉप 10 टिप्स गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो।